अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम फिल्म तो आपने जरूर देखी होगी। उस फिल्म में किस तरह से एक अनपढ़ व्यक्ति अपनी पत्नी को मजदूरी करके पढ़ाता है और उसको कलेक्टर बनाता है, और उसके बाद उसकी पत्नी उसका पद परिवार पति तीनों की देखभाल करती है। लेकिन रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। प्रयागराज में जब चपरासी पति ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर पीसीएस अधिकारी बना दिया तो यहां मैडम के तेवर ही बदल गए और अधिकारी पत्नी अपने चपरासी पति को ही धोखा दे रही हैं, और यही नहीं तलाक लेकर उनसे पीछा भी छुड़ाना चाहती हैं। पति ने महिला पर यह भी आरोप लगाए हैं कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध किसी और पुरुष के साथ चल रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास में पकड़ लिया था। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं खबरदार शो। पति पत्नी का रिश्ता तब तक ही कामयाब रहता है जब तक एक दूसरे का भरोसा दोनों के ऊपर बना रहे। जब यही भरोसा टूटता है तो परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है। दोनों की जिंदगी में तीसरे की दखलंदाजी कभी कभी पति पत्नी के रिश्ते में दरारें पैदा कर देती है। इसके बाद मामला तलाक तक पहुंच जाता है। ऐसा ही एक मामला यूपी के प्रतापगढ़ जिले में सामने आया। यहां पति पत्नी और वो का किरदार खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले पर्दे से बढ़कर सुर्खियां बटोरने वाला यह प्रकरण हर किसी की जुबान पर है। 14 साल पहले जीने मरने की कस्में, 12 साल तक खुशनुमा जिंदगी का सफर अचानक वो की एंट्री से बिखर गया। और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर, और यहां तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दी। सोशल मीडिया के लव वायरस ने एक परिवार को तलाक के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रतापगढ़ के पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी में तैनात एक कर्मचारी की असल जिंदगी की कहानी बेहद फिल्मी है। 14 साल पहले रिश्तेदारी में एक युवती से प्यार हुआ और साल भर बाद ही दोनों के पारिवारिक रजामंदी से शादी हो गई। इस दौरान युवती ने अपने पति से पढ़ाई करने की इच्छा जताई। खुद सिविल की तैयारी कर रहा प्रेमी आर्थिक तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़कर पत्नी को आगे बढ़ाया, लेकिन प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही पत्नी को आखिरकार दूसरे प्रयास में पीसीएस में सफलता मिल गई। पत्नी की कामयाबी पर परिवार में खुशियों की बहार आ गई। ट्रेनिंग के बाद पत्नी को पोस्टिंग मिल गई। इस दौरान जिंदगी का कारवां हंसी खुशी आगे बढ़ने लगा। प्रयागराज मंडल के एक जिले में पत्नी को तैनाती मिली तो इसके साथ ही उसे सरकारी आवास भी मिल गया। इस दौरान पति प्रतापगढ़ में अपनी नौकरी कर रहा था, हालांकि सप्ताह में 2 दिन वह पत्नी के पास रहता था। इसी दौरान सोशल मीडिया के जरिए अफसर पत्नी की करीबी एक अफसर से हो गई। प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि अफसर पत्नी अपने पति से किनारा करने लगी। इसकी भनक पति को 2021 में अफसर पत्नी के मोबाइल से लगी। पति के पूछने पर पत्नी ने कहा कि वह उसका मित्र है। पति ने अनदेखा कर दिया। कुछ दिनों बाद अफसर पत्नी का प्रेमी सरकारी आवास पर आना जाना शुरू कर देता है। मामला तब बिगड़ता है जब पति ने दोनों को बंद कमरे में रंगे हाथ पकड़ लिया। यही से खुशहाल जिंदगी में वो ने जहर घोल दिया। और इतना ही नहीं, पति आलोक मौर्य अपनी पत्नी पर रिश्वत लेने के भी गंभीर आरोप लगा रहा है। पति आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी के डायरी और व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट सबूत के तौर पर पेश किए हैं, जिसमें उसने बताया है कि उसकी पत्नी किससे कितना रुपया रिश्वत लिया करती थी। वो सर इतना सर घोटाला किए हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का। उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ सर। वो सर चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है सर, 13 साल से शादी के हो गए हमारे। सर मैं कहां जाऊं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। बात इस कदर बिगड़ी कि 7 जन्मों की डोर इस आंच में टूटने के कगार पर है। पति हर हाल में अफसर बीवी को छोड़ना नहीं चाहता, जबकि अफसर पत्नी उसके साथ रहने को राजी नहीं है। हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। अच्छा ठीक है। पति का कहना है कि अब वह यहाँ तक डरा रही है कि स्वेच्छा से तलाक दे दो नहीं तो बर्बाद कर दूंगी। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती है, मुझे सर फोन करके कही है कि ये जान सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। लेकिन अब सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अफसर पत्नी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पति की प्रेम कहानी कहां से शुरू हुई।
दरअसल पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी में तैनात कर्मचारी ने बताया कि उनकी प्रेम कहानी 2008 में शुरू हुई थी। उस दौरान अफसर पत्नी बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। अफसर बीबी उसके चचेरे मामा की साली है। एक साल फोन पर बातचीत के बाद उसकी शादी 2009 में हो गई थी। इसके बाद पति ने प्रयागराज में किराए पर एक कमरा लेकर पत्नी को तैयारी के लिए कोचिंग कराई और फिर पत्नी 2016 में अफसर बन गई। पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चलाया, उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर पीसीएस, 2016 में पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका, उनकी 16वीं रैंक भी आई। और अफसर के बाद बेवफा हो गई। भारत देश में रोजाना हजारों की संख्या में तलाक होते हैं, लेकिन ये कहानी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पति खुद पढ़ना चाहता था और उसने आर्थिक तंगी के कारण खुद की इच्छाओं को मारकर पत्नी को आगे बढ़ाया और उसको पीसीएस बनाया। और इतना ही नहीं, इतना संघर्ष करने के बाद अब उसकी पत्नी उसको धोखा दे रही है। धोखा मिलने के बाद वह पूरी तरह से टूट गया है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसने मीडिया के जरिए अपना दुख बयान किया। आज मैं जो सफल हुई हूँ उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है, लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं। सर हम सर मैंने मुख्यमंत्री क्या की है सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूँ सर, मेरी शिकायत 2 महीने से नहीं लिखी जा रही। कितने बच्चे हैं आपके? सर 2 बेटियां हैं मेरी सर। किसके साथ रहती हैं? सर अभी तो मेरे साथ रह रही थी, तो अभी सर घर से मैं भाग के आऊँ तो सर उन्हीं के साथ होंगे। जी सर। कौन डरा धमका रहा है आपको? सर मनीष दुबे, ज्योति मौर्य, उनका भाई सचिन। क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं कि न्याय हो सर, मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर, मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ सर। वो सर चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है सर, 13 साल से शादी के हो गए हमारे सर, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत की, वहाँ से क्या कहा गया? सर वहाँ से ये कहा गया जाँच की जाएगी सर, सर जाँच मिली थी सर राजापुर पुलिस चौकी को, सर उन्होंने लिखा दिया कि पारिवारिक मैटर है सर। क्या चाहते हैं सर? मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ कि सर न्याय हो मेरे साथ सर, और सर सिर्फ एक पूरे यूपी में सर एक अधिकारी मुझे ऐसा मिला, बीके मौर्य, डीजी होमगार्ड है सर, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को सर तुरंत संज्ञान में लेते हुए टीम गठित की है सर, अब देखना सर उसमें रिपोर्ट क्या आती है सर। वो सर अब जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर, सर वो वही सर उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध, उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कई भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए, हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर अभी तक कोई उसका निर्णय नहीं मिल रहा है सर। ये लोग लखनऊ के अच्छे अच्छे होटलों जैसे गोल्डन तुलिक मैरियट होटल में सर ये लोग जाके रुकते हैं। 4 दिन पहले ज्योति मौर्य ने फोन पे कहा है कि जो तुम ये सब करवा रहे हो तो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूं, और उल्टा तुम्हारे डीपीआरओ से मैं फोन पे बात की हूं, तुम्हें बर्खास्त कर देंगे और जांच रुकवा दो। किस पद पर हैं आप? जी सर हम सर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं सर। वहाँ आपने सर बताया रंगे हाथ पकड़ा है, क्या पकड़ा सर? वो मैं सर बिना बताए सर उनसे अपने सरकारी आवास रेलनगंज स्थित में आ गया सर, मनीष ने मेरे ऊपर हमला किया, क्योंकि मनीष ने ज्योति से उसी समय कहा इसको मार डालो नहीं तो ये मीडिया में जाएगा, बेइज्जती करेगा, इसके पास मेरी चैटिंग लग चुकी है, हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। तो उस टाइम आपने शिकायत नहीं की? सर मैं शिकायत किया था सर, महिला थाना में मैंने किया था इसकी शिकायत, महिला थाना में बुलाया गया, बल्कि महिला थाना ने मेरी पूरी जो मैंने सर उस समय तत्कालीन मैंने वीडियो फोटो भी खींच लिया था उन लोगों को अवैध संबंध में आते हुए, लेकिन सर महिला थाना ने अध्यक्ष ने मेरी पूरी डिवाइस को रीसेट मार दिया, खाली कर दिया कि आप गलत कर रहे हैं, आप जेल चले। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले शोज लगातार आपको मिलते रहें। शुक्रिया।